हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। आज की हमारी रेसिपी है 6 तरह की लस्सी। गर्मियों का सीजन है तो सबको ठंडे ठंडे ड्रिंक्स बहुत पसंद आते हैं, तो इसीलिए आज हम ऐसा ही एक ड्रिंक बनाने वाले हैं। आज हम लस्सी को बनाएंगे 6 तरीके से। ये सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और सबके सब बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो पूरी गर्मियों के सीजन आप इन्हें बार बार बना के पीना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। हमारी सबसे पहली लस्सी है अमृतसरी लस्सी। इसके लिए हम एक जार में डालेंगे 1 कटोरी दही, 2 चम्मच चीनी, 4 से 5 आइस क्यूब्स और 1/2 कटोरी पानी। फिर हम जार को बंद कर देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसे हमें 15 से 20 सेकेंड के लिए ब्लेंड करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारी लस्सी बनके तैयार है, इसे हम पोर कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये दही की मलाई, जो दही के ऊपर जो मलाई आती है वो हम डाल देंगे इसके ऊपर 1 चम्मच। फिर हम इसे गार्निश करेंगे। हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, थोड़े से पिस्ता डाल देते हैं। तो ये हमारी अमृतसरी लस्सी बनके तैयार है कि देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, उतनी ही डिलीशियस है ये। हमारी नेक्स्ट लस्सी है मैंगो लस्सी। इसके लिए हम एक जार में डालेंगे 1 कटोरी दही, 4 से 5 आइस क्यूब्स, 1/2 कटोरी पानी और 1/2 आम को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच चीनी और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। आम तो सभी को बहुत पसंद होता है, इसलिए ये लस्सी भी सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरी तो ये फेवरेट है। इसे भी हम 10 से 15 सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारी मैंगो लस्सी बनके तैयार है। इसके अंदर चंक्स है, ये मुझे पसंद है। अगर आपको स्मूथ टेक्स्चर चाहिए तो आप इसे 25 से 30 मिनट के लिए ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इस पे मैंगो के छोटे छोटे पीसेस डालकर इसे गार्निश करेंगे। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मैंगो की लस्सी बनके तैयार है। बहुत टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस। अब हमारी नेक्स्ट लस्सी है केसर पिस्ता लस्सी। इसके लिए हम एक जार में डालेंगे 1 कटोरी दही, 4 से 5 आइस क्यूब्स, 2 चम्मच चीनी। फिर हम इसमें डाल देंगे केसर के कुछ धागे जिन्हें हमने 5 मिनट पहले पानी में भिगो के रख लिया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। फिर हम इसमें डालते हैं 8 से 10 ये बारीक कटे हुए पिस्ता, क्योंकि हम केसर पिस्ता लस्सी बना रहे हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये फ्रेंड्स बहुत ही रिच होती है, बहुत टेस्टी है। जब भी आपके पास गेस्ट आए या कोई अच्छा सा ओकेजन हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए और सबको सर्व कीजिए। बहुत ही अच्छी होती है ये। अब हम इसे गार्निश करेंगे। इसके ऊपर हम 5 से 7 केसर स्टेंस लगा देते हैं। फिर हम इस पर डाल देते हैं ये थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता। ये हमारी केसर पिस्ता लस्सी बनके तैयार है। बहुत डिलीशियस, देखने में भी बहुत अच्छी है ये। हमारी नेक्स्ट लस्सी है चॉकलेट लस्सी। इसके लिए हम एक जार में डालेंगे 1 कटोरी दही, 4 से 5 आइस क्यूब्स, 2 चम्मच चीनी और फिर हम इसमें डाल देंगे 3-4 चॉकलेट क्यूब्स। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी और इसे ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आइस क्यूब्स है तो इसलिए चॉकलेट हमारी बहुत जल्दी से घुलती नहीं है, इसलिए हमें इसे थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ेगा। आपको इसे 1/2 से 1 मिनट तक ब्लेंड करना पड़ेगा। ये हमारी चॉकलेट लस्सी बन के तैयार है, इसे सर्व करते हैं। इसके ऊपर हम डाल देते हैं ये थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और ये ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा चॉकलेट। यहाँ पे अगर आपके पास चॉकलेट ना भी हो तो आप चॉकलेट सिरप के साथ भी इस लस्सी को बना सकते हैं। बच्चों की तो ये फेवरेट होती है, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस है ये। तो फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट लस्सी है रोज लस्सी। इसके लिए हम एक जार में डालेंगे 1 कटोरी दही, 4 से 5 आइस क्यूब्स, 2 चम्मच चीनी, 1/2 कटोरी पानी और 2 चम्मच रोज सिरप। अगर आपके पास रोज सिरप ना हो तो आप यहाँ पर रूह अफ़ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी रोज लस्सी बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये 1 चम्मच दही की मलाई। फिर हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा रोज सिरप डालकर इसको गार्निश करेंगे। थोड़े से टूटी फ्रूटी डाल देते हैं इस पे।
फ्रेंड्स ये हमारी रोज लस्सी बनके तैयार है। इसका एक अलग ही रॉयल सा टेस्ट होता है, बहुत अच्छी है ये, बहुत डिलीशियस है। नेक्स्ट हमारी रेसिपी है कोकोनट लस्सी। इसके लिए हम एक जार में डालेंगे एक कटोरी दही, 4 से 5 आइस क्यूब्स, 2 चम्मच चीनी और ये आधा कटोरी फ्रेश नारियल जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। और फिर हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी कोकोनट वाटर, फिर इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स इस लस्सी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा रेशे वाला आएगा। अगर आपको स्मूथ चाहिए तो उसके लिए आप हरे नारियल की मलाई से इसे बना सकते हैं, फ्रेश कोकोनट की बजाय आप इसके अंदर वो मलाई ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर छोटे छोटे कोकोनट पीसेस डालकर इसे गार्निश कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है और ये पीने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 6 तरह की लस्सी। नेक्स्ट टाइम आप भी इसे इसी तरीके से बनाइए और आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में हमें ये भी बताइए कि आपकी फेवरेट लस्सी इनमें से कौन सी है या इसके अलावा और कौन कौन सी लस्सी है जो आप बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।